सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। सो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे फ्री में ले सकते हो VPS, वो भी 64 GB रैम का, एंड सब पैनल वगैरह सब सपोर्टेड होगा, ठीक है ना। और वो 24/7 भी होगा एंड परमानेंट भी होगा। तो चलो, वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है तो फुल वॉच करो गाइस, ठीक है ना। छोटा होगा उतना बड़ा नहीं होगा। तो पहले आप अपना मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इधर आप देखोगे, इधर एक लिंक्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके मैंने जो ये फाइल दिया है इसको आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। जैसे ही आप ये फाइल डाउनलोड कीजिएगा, आपको इधर अपना आपका फाइल आ जाएगा अपना फाइल पे, ठीक है ना। उसके बाद ये ओपन कीजिए आप, ठीक है। इसको आप अभी इतना रहने देते हैं, ये फाइल है हमारा, ठीक है ना। एंड अभी हमारा हम स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। मेथड तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है ना। एंड सर्च करना है रेप्लिट, ठीक है ना। रेप्लिट सर्च करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, बट ऑल्सो आप ऐसे सर्च भी कर सकते हो। एंड स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। एंड कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कीजिए, एंड ये होगा, ठीक है ना गाइज। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नहीं दे सकता, इसलिए मैंने डिस्कॉर्ड पे दिया है, ठीक है ना। नहीं तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। तो जैसे ही आप गूगल से लॉगिन करोगे, डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा। तो अभी चलो, आपको अभी एक रेप्लिट क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। तो आप क्रिएट रेप्लिट पे जाओ, एंड ये बैश वाला बैश सर्च करो इधर, ठीक है ना। एंड ये बैश को आपको क्रिएट करके टाइटल रखना है, जैसे मैं रख लेता हूँ इधर बिरालो गेमिंग। चलो मैंने ये रख लिया, मैंने क्रिएट रेप्लिट पे क्लिक कर देता हूँ। देखो मेरा रेप्लिट क्रिएट हो चुका है। चलो इतना हो जाने के बाद ये इको हेलो वर्ड को हटा दो, एंड जो मैंने ये फाइल दिया ये देख सकते हो इतना बड़ा, इसको आपको कॉपी करना है A to Z, ठीक है ना। देखो मैंने कॉपी कर लिया, एंड अब इसको जाके पेस्ट करना होगा वो इधर। जैसे ही पेस्ट हो गया, देखो आपको रन करना है, ठीक है ना। रन करने के बाद कुछ भी मत दबाओ, फिर वो फुल वॉच करो, ठीक है ना। एक मिनट काम करना होगा और स्टॉप कर दो, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद आप कंसोल और सेल देखोगे इधर ऊपर, देखो ठीक है, कर्सर पे कंसोल एंड सेल दिखेगा। तो आपको सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इधर टाइप करना है WNGET, ठीक है। ये टाइप करोगे थोड़ा टाइम लेगा, 5 से 10 सेकेंड, ठीक है ना। 5 से 10 सेकेंड या आपका अभी थोड़ा सा उतना, देखो 5 सेकेंड लिया। और अब उसके बाद कुछ भी नहीं दबाओ, फिर से इंटर दबाओ। इंटर दबाने के बाद हो गया आपका काम, ठीक है। फिर से कंसोल पे जाओ एंड फिर से एक बार स्टार्ट करो। अभी लोडिंग नेक्स इन्वायरमेंट सारा कुछ बोलेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस पर स्टार्ट होने का, उतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तब तक स्क्वाड को ज्वाइन करना है गाइस। थैंक यू फॉर सपोर्ट, जितनी वीडियो में आपने सपोर्ट दिखाया हमको। तो चलो ये आ चुका है हमारे, ठीक है ना। तो आपको अभी सिर्फ 1 पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अल्पाइन डिवाइन ले भी सकते हो, बट उबंटू बेस्ट होता है, तो उबंटू लेते हैं। 1 टाइप करो, इंटर करो, ठीक है। चलो आपका हो गया, देखो मैं फुल दिखाऊंगा, ठीक है ना। एंड आपको टाइप करना है फिर से SU, हमको तो रूट चाहिए भाई, ठीक है ना। देखा VPS स्टार्ट हो गया, तो हमको तो पैनल सेटअप करना है, तो SU दबाएंगे, वो sudo SU दबाएंगे, ठीक है ना। SU, हाँ चलो SU दबाओ, हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने ऊपर गलत किया था, SU दबाओ आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको करना है APT अपडेट। फुल वॉच करो गाइस, फुल स्किप मत करो, पहले बताना होगा इस, लेकिन स्किप मत करो, फुल वॉच करो, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो APT अपडेट करो, ठीक है ना। तो आपका नीचे परसेंटेज दिखाएगा, देर है मेरा अभी 100% होने वाला है। चलो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, एंड 24/7 होगा और एकदम कड़क VPS होगा गाइस, ठीक है ना। तो रीडिंग पैक वगैरह बोलेगा, तो थोड़ा टाइम लेता है। तो चलो हो गया, अभी आपको टाइप करना है APT लिस्ट एंड 2 माइनस, एंड वो ऊपर दिख रहा है ना अपग्रेडेबल, ठीक है ना। अपग्रेडेबल दबा देना है एंड ये कर देना है, तो इंटर करके ये हो गया। अभी आपको दबाना है APT अपग्रेड, चलो एंड इंटर करो। वो मैंने स्पेलिंग रन कर दिया क्या, APT अप GREDE अपग्रेड, यही तो होता है, वो मैंने स्पेलिंग रख लिया था रंग। चलो अपग्रेड किया, ठीक है ना। और आपका ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, और या वाई इंटर करके इंटर कीजिए, ठीक है ना। वाई पे क्लिक करके इंटर कीजिए,
एंड आपका इधर परसेंटेज वगैरह दिखाएगा। थोड़ा वेट करते हैं इतने देर तक, ठीक है ना। चलो गाइज, और जो जो नए बंदे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर दो गाइज, ठीक है ना। कैसा लगा आप सब लोगों को वीडियो, तो प्रोग्रेस दिखाएगा ये। अपग्रेड करने का थोड़ा टाइम ले सकता है आपका, बस इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा आई थिंक। चलो 9% तो हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो इसको कट करके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो गाइज, और आपको इधर लिंक वाले ऑप्शन पे लिंक मिल ही जाएगा आपको, ठीक है ना। तो टिकट में नहीं देख पा रहा हूँ उतना ज़्यादा है। चलिए 27-31% हो गया है, और आपको रिप्लीट को 24/7 पारने को आता ही होगा गाइज, ठीक है ना। अगर आपको रिप्लीट में कैसे 24/7 पारने को नहीं आता है तो डिस्कॉर्ड पे मुझे बता दो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है ना। एंड आपको कोड अच्छे से कॉपी करना होगा, नहीं तो आपका कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी आ सकता है, ठीक है ना। एंड थोड़ा वेट कर देते हैं, ये अभी आपका अच्छा है गाइज, ठीक है ना। चलो, और 64 GB रैम का VPS है, एंड CPU भी एकदम बढ़िया है, एंड मशीन भी एकदम बढ़िया है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अभी आपको टाइप करना है apt install एंड neofetch, एंड ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी देखो बिल्डिंग डिपेंडेंसी डन, अभी थोड़ा परसेंटेज वगैरह लेगा, मे बी प्रोग्रेस वगैरह, और वाई दबा के ये कहते, ठीक है ना। आपका थोड़ा वगैरह जैसे 64 GB पे आपका लेगा 4-5 GB, ठीक है ना। उतना ज़्यादा नहीं लेगा, 4-5 GB लेगा, क्योंकि आपको प्रोसेस करना है, स्टार्टिंग करना है। एंड अगर आप पैनल सेटअप करोगे तो दूसरा 5 GB लेगा, तो 10 GB लेगा। एंड आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ये 9-10% ये भी होगा। तो चलो मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप लोग फेक वगैरह बता सकते हो, तो देखो, ठीक है ना। एंड 20% भी हो गए, एंड चलो 21% हो गया है। 22-23 आपका इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है ना गाइस। तो 25-26 जल्दी जल्दी हो जाता है, तो आसानी होती है, ठीक है ना। एंड गाइस चलो, अभी आप लोग ने बताया तो, एंड नेक्स्ट वीडियो भी एकदम कड़क आने वाली है गाइस, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एकदम कड़क, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसा वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो रेडी हो जाओ गाइस। हाँ चलो, अभी आपका प्लीज सेलेक्ट द जियोग्राफिकल बोलेगा, आप कौन से हो मतलब, ठीक है ना। तो मैं एशिया से हूँ, आप अभी आपका किधर से, किधर का VPS आए, ठीक है ना। एशिया, इंडियन बहुत सारे, तो मैं एशिया लूँगा, ठीक है ना। एंड एशिया के किधर से हो आप, तो अभी आप किधर का लेना है। एशिया पे बहुत सारे इधर देख सके, कुवैत वगैरह, ठीक है ना। तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं कुछ भी ले लूँगा, ठीक है ना। जैसे मैं रियाद ले लेता हूँ 66, चलो रियाद ले लेता हूँ 66। एनी कुछ भी ले सकते हो, मैं 23 ढाका ले लेता हूँ, ठीक है ना। बट आपको किसका चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है ना। आप इंडियन भी चूज़ कर सकती है, जो चौथी ऑप्शन पे था, ठीक है ना। एंड ए प्रोग्रेस 95 अभी हो चुका है, 99% हो गया। एंड आपकी टाइप करना है न्यू फेज, चलो न्यू फेज टाइप कर दिया, इधर आ चुका है आपका VPS। चलो मेरा फुल दिखाई नहीं दे रहा, रुक जा। आ चलो अभी आके ओके, इधर न्यू फेज का ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा यार, 64 GB रैम को 6 दिखा रहा है ये न्यू फेज का, क्या लोचा है। हाँ चलो, 32 GB रैम हो गया गाइस, ठीक है ना। ये मैंने बताया था आपको 62 GB रैम है, बट ये 62 GB रैम ही है। कभी कभार ना आपका क्या होता है, कभी 32 GB रैम आता है, कभी 62 GB रैम आता है। हाँ वो बात मैं आपको बताना भूल गया, कभी 62 आता है, कभी 64, कभी 32। आप एक बार फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है ना। आपका मैं बता रहा हूँ 64 आएगा, फिर से ट्राई कीजिए 32 आएगा, ऐसे होगा, ये ऐसा ही है गाइस, ठीक है ना। और आप सारा कुछ देख सकते हो, CPU वगैरह एकदम कड़क है, एंड होस्ट वगैरह, कंप्यूट इंजन, सारा कुछ देख सकते हो। Ubuntu का कितना वर्जन वगैरह है, तो आपको पैनल भी सेटअप कर सकते हो इधर, ठीक है ना। तो अलग पैनल वाला वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक चाहिए, जैसे भी करके 100 लाइक, ठीक है ना गाइज। तो यार आज की वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही गाइज, मिलते हैं आप सब लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।